कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, महंगाई के विरोध में निकाली गई साइकिल रैली। आसमान छूती महंगाई और पेट्रोल डीजल व गैस की कीमतों के वृद्धि पर विरोध। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में जो वर्तमान में महंगाई और हर चीज का जो त्राही त्राही का माहौल बना हुआ है, उसको लेके कांग्रेस पार्टी आज पूरे छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के निर्देशानुसार लोगों की आवाज बनकर आज सड़कों पे है। और हम लोगों ने बहुत पहले, 2 महीने पहले नांदगांव जिला अध्यक्ष और हम लोगों ने ऐलान भी किया था कि कोरोना का जैसे ही असर कम होगा, हर कांग्रेसी आपको लोगों की लड़ाई लड़ते हुए दिखेगा। हमारी मांगे हैं कि जो सरकार केंद्र में बैठी है भारतीय जनता पार्टी की, जिसने झूठे और लुभावने वादे करके सरकार बना ली 2014 में और फिर दोबारा बना ली, इस तरीके से सिर्फ वो ठगने का काम कर रही है, धोखा देने का काम कर रही है। ऐसी सरकार जिसको कि जन भावनाओं का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, लोगों की तकलीफें मजबूरियों को बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। की मोदी सरकार जनता पर लगातार कहर ढाए जा रही है। तानाशाही रवैया जो केंद्र की मोदी सरकार अपना रही है, वो महंगाई जो बढ़ाई जा रही है, वो बिल्कुल गलत है। आज उसी के विरोध में पूरे कांग्रेस के लोग जनता के साथ हैं। भाजपा की केंद्र की मोदी सरकार ने पेट्रोल के दाम, गैस के दाम, डीजल के दाम, अन्य उपयोगी वस्तुओं के दाम बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा दिए हैं और रोज लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं। आज कोरोना काल जैसी स्थिति में जहां लोगों को सहयोग करने की ज़रूरत है, जहां छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार एक तरफ जनता को लगातार सहयोग कर रही है, वहीं केंद्र की मोदी सरकार जो है